भीषण गर्मी के चलते कोटा सरस दूध डेयरी में दूध की किल्लत होने लगी है। दूध की डिमांड अधिक होने के चलते डेयरी ग्राहकों को दूध की सप्लाई नहीं कर पा रही और ऐसे में यदि यही हालात रहे तो कोटा सरस दूध डेयरी के सामने विकट समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं हाड़ोती की अगर बात करें तो यहाँ पर पारा 45 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है और इसी के चलते दूध की आवक घट चुकी है। इसका सीधा असर कोटा डेयरी में रोजाना आने वाले दूध की आवक पर देखा जा सकता है। अभी हमारे जनवरी फरवरी मार्च में फ्लश सीजन होता है, उसमें दूध की आवक हमारे लगभग 1,25,000 से 1,30,000 तक प्रतिदिन हो रही थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है दूध का प्रोडक्शन कम होता जाता है और अभी मई में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन करीब करीब 80,000 के आसपास दूध हमारा प्रोक्योरमेंट हो रहा है, 75 से 80,000 के बीच, और सप्लाई भी लगभग 80 से 85 के आसपास चल रही है। और जैसे ही दूध में और कमी होगी तो हमारे को सप्लाई करने के लिए दूध की कमी पड़ती है तो हम बाहर से दूध मंगवा लेते हैं। जैसे हमारी जो सिस्टर कंसर्न है, अजमेर है, भीलवाड़ा डेयरी है, जहाँ पर दूध का प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा रहता है सप्लाई से, जहाँ सरप्लस दूध होता है वहाँ से हम कोटा में दूध मंगवा के यहाँ की। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।